संत वही हैं जो दुखों से पीड़ित ना हो। कुंभ मेला तो नहीं था, छोटा मेला था इलाहाबाद में। एक साधु मर गया संगम के किनारे, बूढ़ा शरीर था, पका हुआ शरीर था। संगम जैसी जगह पर शरीर छूटा तो शिष्यों ने गुरु के शरीर को झोपड़ी के कैंप के बाहर ले आकर के रख दिया, और रात में शरीर छूटा था, सुबह उठा करके रख दिया, पूरा दिन शरीर वैसे ही रखा रहा, और दूसरे दिन जाकर के उन्होंने उसको गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। आप बता सकते हैं, दूसरा दिन उन्होंने पूरा दिन शरीर वैसे ही रखा रहने दिया, उसको उठा करके उन्होंने गंगा जी में क्यों नहीं डाला? बूढ़ा शरीर साधु का शांत हो गया, शिष्यों ने अगले दिन ले आकर के उसको कैंप के बाहर रख दिया सड़क के पास, पूरा दिन शरीर वैसे ही रखा रहा। फिर अगले दिन जा करके उन्होंने उसको पत्थर बांध करके उसके शरीर से गंगा जी में डाल दिया, डूब गया। ये काम तुम उसी दिन क्यों नहीं कर लिए, एक दिन क्यों इंतजार किए पूरा? जानते हैं क्यों? क्योंकि लोग पैसे चढ़ा रहे थे। सड़क से गुजरने वाले लोग पैसे चढ़ा रहे थे। साधु का शरीर छूट गया तो 10-20, 10-20-50 जिसको जितना अटता था उसमें डालता जाता था। अब लोग डाल रहे हैं, पूरा दिन डाले। सुबह जब हम लोग उस रास्ते से गुजरे तो देखा कुछ थोड़े से लोग हैं और कुछ थोड़े से नोटे हैं। जब शाम को उधर से आए तो देखा उसके दोनों तरफ 10-20, 10-20 की नोटों का ढेर लग गया था। अब दुकान चल रही हो तो कौन दुकान बढ़ाता है? दुकान तो तब बढ़ाई जाती है जब दुकान पर ग्राहक आने बंद हो जाएं। लोग पैसे चढ़ा रहे हैं, कौन मूर्ख बंद करेगा? जब शाम हो गई तब ठीक नहीं है, रहन दिया, पैसे समेट लिया, शरीर वैसे रहन दिया। अगले दिन फिर उसको उन्होंने जितनी कमाई करनी थी कर लिए। फिर जब कोई उसमें चेला होगा, जब वो मरेगा तो बाकी चेले वैसे ही करेंगे। हमें जीवन का दुख और दुख से छूटने का रास्ता ये सब भूल ही जाता है। हम हर जगह दुकानदारी करने बैठ जाते हैं। ये देखता था और यही मन में उठता था कि देखो कैसे चेले हैं, क्या ढंग है जीने का। वो मर गया है, उसकी लाश पे भी हम जो है दुकानदारी करने से नहीं चूक रहे हैं। जीवन के दुखों का किसे ज्ञान है, किसे समझ है?